आप सभी का स्वागत है टेक इकरार यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में आपको बताएंगे IDFC फर्स्ट बैंक का मोबाइल बैंकिंग एम पिन आप भूल चुके हैं तो कैसे अपना न्यू एम पिन आप सेट करेंगे, कैसे फॉरगेट करेंगे, और आपका अपना कस्टमर आईडी नहीं पता है तो कस्टमर आईडी आप कैसे फाइंड करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल आपको लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे IDFC फर्स्ट बैंक का मोबाइल बैंकिंग कैसे रजिस्टर किया जाता है, अपना एम पिन कैसे फॉरगेट किया जाता है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक का मोबाइल बैंकिंग का एम पिन आप भूल चुके हैं तो कैसे आप फॉरगेट करेंगे। तो दोस्तों, आपको अपना IDFC फर्स्ट बैंक मोबाइल बैंकिंग को ओपन करना होगा। फॉरगेट एम पिन का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। आपके जो बैंक से रजिस्टर मोबाइल नंबर, उसको आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि आपको कंटिन्यू का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर अपना जो भी सिम कार्ड आपका सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपके बैंक से रजिस्टर है, यहाँ पर सेलेक्ट करके सेंड यहाँ पर वेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, अलाउ कर देना होगा। अलाउ आप जैसे करेंगे, आपका जो भी सिम कार्ड आपके बैंक से रजिस्टर है वो नंबर आपको यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछेगा आपका कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी आपको पता है तो आप अपना जो कस्टमर आईडी आपके पासबुक में है तो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा, नहीं है तो आप यहाँ देख सकते हैं फैच माई कस्टमर आईडी, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, जो भी डेट है, मंथ है, आप यहां पर इंटर कीजिएगा, और आपका जो ईयर है, ईयर इंटर कीजिएगा। जैसे यहां से आप कैलेंडर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हमने यहां पर जो भी है, हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है, ईयर है, यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे और यहां पर देख सकते हैं हमारा जो भी है, यहां पर डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लेंगे, और डेट का जो भी मंथ है, मंथ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है, प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पर आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है, उस पर OTP आएगा, उस OTP को इंटर करके वेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप वेरीफाई पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जो ईमेल आईडी और आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है, उस पर आपको मैसेज आ चुका है, आपका कस्टमर आईडी आपको भेज दिया गया है, डन पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो हमने यहाँ पर डन पर क्लिक करते हैं और अपने मोबाइल पर जो भी ईमेल आईडी रजिस्टर है, आपको वहाँ पर जाना होगा या तो मैसेज बॉक्स में जाना होगा। आपको यहाँ पर जो भी है, ईमेल पर आपको देखने को कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। तो आपको अपना जो कस्टमर आईडी को कॉपी कर लेना होगा। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते, हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर अपने जो IDFC फर्स्ट बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको अपना कस्टमर इंटर कस्टमर आईडी पर क्लिक करके यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन दिख रहा है प्रोसीड का, प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना होगा। प्रोसीड पर आप जैसे क्लिक करेंगे, क्रिएट योर न्यू एम पिन आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अपना जो भी न्यू पिन बनाना चाहते हैं उस पिन को आप यहाँ पर इंटर कीजिएगा और इंटर करने के बाद रिकन्फर्म आपको इंटर करना होगा वही पिन को। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सक्सेसफुली आपका जो भी एम पिन है IDFC फर्स्ट बैंक मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। चाहे तो आप फिंगर क्रिएट कर सकते हैं, फिंगर इनेबल कर सकते हैं, या तो स्किप कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने अपना जो भी है यहाँ पर फिंगर को यहाँ पर अभी के टाइम में नहीं करते हैं और स्किप पर क्लिक कर देते हैं। अब आपका जो भी एम पिन आपने बनाया है, उसी एम पिन को एंटर करके अपना IDFC फर्स्ट बैंक मोबाइल एप्लीकेशन को आप लॉग इन कर पाएंगे। तो हमने अपना जो भी है यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो आपको जो भी पिन है, पिन यहाँ पर एंटर करेंगे, आपका IDFC फर्स्ट बैंक मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से अपना जो भी IDFC फर्स्ट बैंक का ट्रांजेक्शन आप करेंगे, आप किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, तो आप अपना UPI या तो किसी भी माध्यम से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, किसी पेमेंट मर्जेंट को पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से IDFC फर्स्ट बैंक का कस्टमर आईडी, आपका मोबाइल नंबर, अपना जो भी है मोबाइल बैंकिंग का एम पिन भूल चुके हैं तो फॉरगेट कर सकते हैं।